हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइस, आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट में गाइस हम देखेंगे हम रेस्टफुल एपीआई को बनाते कैसे हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में देखा था एपीआई क्या होती है, एपीआई काम कैसे करती है, एंड हम अपना एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में एपीआई को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली। बट गाइस, हमने वहाँ पर क्या किया था कि जेसन प्लेस होल्डर यानी कि एक आर्टिफिशियल एपीआई का यूज़ किया था। हमने खुद की एपीआई कैसे बनती है वो हमने नहीं सीखी है। सो गाइज, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको काफ़ी सारी एपीआई बताऊंगा कि जैसे लॉगिन की एपीआई कैसे बनती है, साइनअप की एपीआई कैसे बनती है, अपडेट, डिलीट, इमेज अपलोड एंड इमेज को फैच करने की एपीआई किस तरह से बनती है। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एपीआई का इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में हम एपीआई को डिज़ाइन करेंगे। सो गाइज, बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला आपका एक एडिटर कि जिस एडिटर में आप अपनी एपीआई को बनाएंगे या फिर अपनी एपीआई का कोड करेंगे। सेकंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर एक सर्वर यानी कि लोकल सर्वर होगा। यहाँ पर आप वैम्प या फिर जैम्प कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैम्प सर्वर पर। और जो तीसरे सॉफ्टवेयर आता है हमारा, वो आता है हमारा एक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है पोस्टमैन। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अगर आपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पहले से ही डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है तो अच्छी बात है, या अगर आपके पास और कोई सा भी एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड या और कोई सा भी है, आप उस पर काम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सो चलिए फटाफट से तीनों सॉफ्टवेयर को जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं सबलाइम, एक नेक्स्ट टैब ओपन कर लेते हैं, इसमें हम डालते हैं जैम्प, ओके। और एक हम टैब और ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम डालेंगे पोस्टमैन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबलाइन, तो हमारी फर्स्ट लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड, ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि गाइस मैंने पहले से ही सबलाइन को डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर हम इस सेकेंड लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको भी क्योंकि डाउनलोड मैंने पहले ही किया हुआ है, और ऐसे ही पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पर सिंपली हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब गाइस, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको 32 बिट के लिए डाउनलोड करना है या 64 बिट के लिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको गाइस क्या करना है, सिंपली आपको अपने जो ये पीसी है यहाँ पर दिस पीसी पर जाकर और राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरा क्या है 64 बिट, तो मैं यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड करूँगा। तो ऐसे आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है। अब गाइज, मैंने सारे सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो मैंने डाउनलोड नहीं करूँगा। अब हम फटाफट से इसे देखते हैं हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अगर गाइस आपको इन सॉफ्टवेयर की लिंक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सॉफ्टवेयर की लिंक मिल जाएगी और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब हम अपने सबसे पहले जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट को छेड़ना नहीं है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना पाथ डिफाइन करना है कि आपको जैम्प सर्वर किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट गाइस आप जो पाथ है वही रहने दें, सी ड्राइव के अंदर ही, और यहाँ पर नेक्स्ट, इंग्लिश नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। तो ये हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपाची को स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा MySQL डेटाबेस है, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। आपको बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, और अब आपको चलना है अपने गूगल क्रोम में, और यहाँ पर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, सिंपली आपको लोकल होस्ट टाइप करना है और एंटर। स्कूल गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एग्जाम सर्वर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, इसका आपके सामने डैशबोर्ड आ चुका है। अब हम इंस्टॉल करते हैं सबलाइन को, फटाफट से इस पर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर 3, तो यहाँ पर हम कर देते हैं नेक्स्ट सी ड्राइव में ही, और नेक्स्ट, देन यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल।
ओके, ये हमारा फटाफट से इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। अब हमारा सबलाइन भी इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसे एक बार ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप कर दें सबलाइन, ओके एंटर। यस फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एडिटर आ चुका है और यहाँ पर हम अपना सिंपली कोड कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की साइड। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पोस्टमैन, इसे डबल क्लिक करते हैं। ग्रेट गाइस, सो अब हमारा यहाँ पर ये पोस्टमैन भी इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम इसे ओपन लॉन्च पर ऐड कर दें। तो अब हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब गाइस, आपने अगर जो वॉली वाली वीडियो देखी है, जैसे प्लेस होल्डर वाली, जहाँ पर हमने ब्राउज़र में अपने यूआरएल को हिट किया था और हमें रेस्पॉन्स मिल गया था, सो गाइस ये पोस्टमैन क्या करता है कि जो हमारा यूआरएल होता है एपीआई का, उस यूआरएल को हम यहाँ पर डालते हैं और अपने पैरामीटर्स यहाँ पर डालते हैं एंड यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं। तो गाइस क्या होता है कि हमारा रेस्पॉन्स आ जाता है और हमें ईजिली पोस्टमैन में शो हो जाता है कि हमारी एपीआई रेस्पॉन्स सही कर रही है या नहीं। तो गाइस अब हमारा पूरा एपीआई का इन्वायरमेंट सेट हो चुका है, हमने अपने तीनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। अब गाइस हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि हम अपनी एपीआई को बनाते कैसे हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।